झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। पहला खबर है रांची से। क्रिकेटर धोनी बने ग्लोबल किसान, दुबई की थाली में सजेंगी माही के खेत की सब्जियां। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाप छोड़ने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब ग्लोबल किसान बनने की राह पर हैं। रांची में उनके खेतों में उगाई गई सब्जियां की मांग अब विदेशों में भी होने लगी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही दुबई के लोगों की थाली में माही के खेतों की उगाई सब्जियां भी नजर आएंगी। यह खबर है जमशेदपुर से। विवेक विद्यालय जमशेदपुर में 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए फॉर्म 4 जनवरी से 10वीं 12वीं की चलेंगी कक्षाएं। जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर स्थित विवेक विद्यालय में कक्षा 11वीं सत्र 2021-22 के लिए नामांकन फॉर्म 4 जनवरी 2021 से ऑनलाइन तथा ऑफलाइन के माध्यम से वितरण किया जाएगा। छात्र छात्राएं इस वर्ष विज्ञान, वाणिज्य तथा कला तीनों संकायों में नामांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। खबर है रांची से। कांग्रेस नेता सरदार बूटा सिंह का निधन, सीएम हेमंत सोरेन ने जताया है शोक। कांग्रेस नेता सरदार बूटा सिंह का निधन हो गया है। उनके निधन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने अपनी शोक संवेदना में ईश्वर की दिवंगत आत्मा की शांति एवं परिजनों को दुख की इस घड़ी को सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। बूटा सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं। बूटा सिंह देश के गृह मंत्री रहे हैं। वे काफी लंबे समय से बीमार थे। उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर में बाइक सवार ने मार दी ठोकर, 3 की हो गई मौत। गुमला जिला के भरनो परवल मुख्य मार्ग पर पडगी टोली के समीप शुक्रवार की देर रात खड़ी ट्रैक्टर में बाइक सवार ने ठक्कर मार दी। इससे घटना स्थल पर ही बाइक में सवार 3 लोगों में से 2 की मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में शनिवार की सुबह हो गई। मृतकों में भरनो टेंडगा टोली निवासी बबलू उर्फ मोटकू चरवा उराव और बेडो थाना क्षेत्र के चेरमा गाँव निवासी परवीन भगत शामिल है। यह खबर है गिरिडीह से। बाबूलाल मरांडी का कहना है, झारखंड को लूटने के लक्ष्य पर काम कर रही है हेमंत सरकार। सरकार पंचायत चुनाव नहीं कराकर अफसरों के जरिए पंचायतों से जनता का दोहन शोषण करने का मंसूबा पूरी करनी चाहती है। हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल है। यह सरकार एक साल के कार्यकाल की एक भी उपलब्धि नहीं गिना सकती है। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को नवडीहा पंचायत के खूंटा बांध में पूर्व जीप अध्यक्ष मुनिया देवी के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। नौकरियां में नई नियुक्ति के लिए तय उम्र सीमा की प्रभावी तिथि बढ़ी। दिव्यांगों की नियुक्ति के लिए इतने साल तक प्रभावी रहेगी उम्र सीमा। तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। राज्य सरकार ने नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र सीमा की अवधि बढ़ा दी है। सरकारी नौकरियां में नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र सीमा की अवधि 31 दिसंबर 2020 को समाप्त हो गई है। अवधि विस्तार के बाद पूर्व निर्धारित उम्र सीमा 1/1/2021 से 31/12/2025 तक प्रभावी रहेगी। दिव्यांगों की नियुक्ति के लिए पूर्व निर्धारित उम्र सीमा 10 साल तक प्रभावी रहेगी। यह खबर है लातेहार से। महिला समेत 2 टीपीसी उग्रवादी को लातेहार पुलिस ने विदेशी मुद्रा के साथ किया गिरफ्तार। लातेहार पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सदर पुलिस ने लेवी की राशि के साथ एक महिला समेत तृतीय प्रस्तुति कमेटी के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई है। 8 माह बाद रांची रेल मंडल से कई ट्रेनों का परिचालन कल से ही शुरू। रांची से दुमका और लोहरदगा की यात्रा हुई आसान। करीब 8 माह बाद एक बार फिर से रांची रेल मंडल से कल शनिवार को कई ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। इन ट्रेनों में यात्रा के लिए रेलवे PRS काउंटर, अनारक्षित टिकट काउंटर UTSF, ATVM या IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से टिकट ले सकेंगे। रांची से दुमका और लोहरदगा समेत अन्य स्थानों के लिए यात्रा करने में लोगों को आसानी हो रही है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। मेक इन इंडिया सामान का निर्यात बढ़ा, अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के मिले संकेत।
कोरोना काल में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को नई धार मिली। केंद्र की मोदी सरकार ने आयातित वस्तुओं को देश में ही बनाने के लिए न सिर्फ जोर दिया बल्कि कई तरह के छूट और प्रोत्साहन देने की भी घोषणा की। इन प्रयासों का असर अब दिखने लगा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2020 में देश का निर्यात 26.89 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। हालांकि दिसंबर 2019 के मुकाबले यह 0.80% कम रहा, लेकिन वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद इस मुकाम को हासिल करना भी आसान नहीं माना जा सकता। सिर्फ मिस कॉल से बुक हो पाएगा गैस सिलेंडर, जल्द पूरे देश में शुरू होगी योजना। रसोई गैस सिलेंडर बुक करने के लिए अब आपको कॉल करने की जरूरत नहीं, इंडेन के बुकिंग नंबर पर मिस्ड कॉल करनी है और गैस सिलेंडर आपके घर पहुंच जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को भुवनेश्वर में इस सुविधा की शुरुआत की। सरकार ने कामकाज को और आसान बनाने की दिशा में यह मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की है, क्योंकि मिस्ड कॉल से सिलेंडर बुक कराने पर उपभोक्ताओं को IBRS पर बुकिंग की तरह सामान्य कॉल खर्च भी वहन नहीं करना होगा। यूपी से यूपी बोर्ड दसवीं और बारहवीं परीक्षाओं में छात्राओं को मिलेगा डबल गिफ्ट। यूपी बोर्ड की स्थापना के 100वें साल में होने वाली परीक्षा में बेटियों को डबल गिफ्ट मिलेगा। परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारित में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 की लाखों छात्राओं को दोहरा फायदा होगा। एक तरफ जो राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त और वित्तहीन बालिका विद्यालयों को केंद्र निर्धारण की अनिवार्य अर्हताएं पूरी करने पर पहली बार प्राथमिकता के आधार पर सेंटर बनाने में व्यवस्था की गई है। CBSE ने छात्रों से कहा सोशल मीडिया नहीं, बोर्ड की वेबसाइट पर देखे सही जानकारी। CBSE ने परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया, यूट्यूब व अन्य प्लेटफॉर्म पर लगातार आ रही गलत सूचनाओं को नजरअंदाज करने को कहा। CBSE की परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया कि सोशल मीडिया नहीं, परीक्षा संबंधित प्रामाणिक जानकारी के लिए छात्र CBSE की वेबसाइट देखें। खतरे में CM अमरिंदर, मिली जान से मारने की धमकी, प्रशासन में मचा हड़कंप। बड़ी खबर पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर सामने आ रही है। दरअसल CM कैप्टन अमरिंदर सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सूबे के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में आ गया है और मामले में अज्ञात के खिलाफ मोहाली के फेज 11 थाने में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को तलाशने में जुट गया है। बता दें कि ये साल 2021 की पहली FIR भी है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने किया ये बड़ा ऐलान, जानकर झूम उठेंगे आप। नए साल से ट्रेन से यात्रा करना हुआ अब और भी आसान। भारतीय रेल ने यात्रियों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब आपको ट्रेन से सफर करने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय रेल अब बिना रिजर्वेशन वाली ट्रेन चलाने जा रही है। लड़कियों की पार्टी में मारपीट, जश्न में हुआ ऐसा, पड़ोसी ने पहुंच गुस्सों से पीटा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कुछ लड़कियां अपनी सहेली के साथ म्यूजिक बजाकर नए साल का जश्न मना रही थी, लेकिन उनके पड़ोसी को यह रास नहीं आया। पड़ोसी ने पहले लड़कियों के साथ गाली गलौज की और जब लड़की की मां पहुंची तो उसे बाल पकड़कर घूसों से पीटा। इस दौरान आसपास के लोगों ने बीच बचाव पर छुड़ाया। मामला 31 दिसंबर की रात मसूरी क्षेत्र का है। CAA अनुच्छेद 370 आरक्षण, कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तय करेगा देश की दिशा और दशा। नए साल में भी देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर रहने वाली है, जहां अहम संवैधानिक और सामाजिक मुद्दों से जुड़े मुकदमों की सुनवाई होनी है। शीर्ष अदालत राष्ट्रीय और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व के मामलों पर सुनवाई करेगी। इन मुद्दों में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करना और आरक्षण का मसला शामिल है। इसके अलावा कृषि कानूनों की वैधानिकता पर भी सुप्रीम कोर्ट के विचार करेगा। साथ ही धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी के मामले में भी सुनवाई होगी। जियो का धांसू प्लान, सिर्फ ₹3.50 पे मिलता है 1GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा। रिलायंस जियो अपने ग्राहकों के लिए आए दिन नए नए धमाकेदार प्रीपेड प्लान लॉन्च करती रहती है।
जियो के पास कम कीमत वाले डेटा प्लान मौजूद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जियो के कुछ प्लान ऐसे हैं जिनमें आपको सिर्फ 3.50 रुपया में 4 रुपया की कीमत पर 1 GB डेटा आएगा। जी हाँ, जियो एक धमाकेदार प्लान ऑफर करता है जिसमें ग्राहकों को 3.50 रुपया में 1 GB डेटा मिलता है। ओवैसी ने गलवान को लेकर फड़ाई फेक न्यूज, तो मेजर पुनिया ने खोली पोल, कहा सेना के शौर्य का अपमान मत करो। हैदराबाद के सांसद और AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी के पास एक अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है, फेक न्यूज फैलाकर अपनी बिसात जमाने में जुट गए हैं। हाल ही में ओवैसी ने गलवान को लेकर फेक न्यूज फैलाई, हालांकि कुछ ही घंटों में मेजर सुरेंद्र पुनिया ने ओवैसी के झूठ की पोल खोल दी। ओवैसी ने दावा किया कि चीनी सेना ने डेब सोंग और गलवान वैली 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। ओवैसी को जवाब देते हुए मेजर पुनिया ने कहा कि भारत की सरजमी के 1 इंच पर भी चीन का कब्जा नहीं है, झूठ फैलाकर भारतीय सेना के शौर्य का अपमान न करो। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता पीएम मोदी, जेपी नड्डा और सीएम योगी ने कही बड़ी बात। नए साल में देश के प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बता दें कि अमेरिका की फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पीएम मोदी को विश्व के बड़े राजनेताओं के सबसे ज्यादा दर्जा मिला है। देश के प्रधानमंत्री के इस बड़े दर्जे की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सराहना की है और कहा कि यह भारतीयों के लिए गर्व की बात है। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, यूपी में इस तारीख से होगा वैक्सीनेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखपुर में ऐलान किया कि वैश्विक महामारी कोरोना के खात्मे के लेकर मकर संक्रांति के टीकाकरण शुरू हो जाएगा। टीकाकरण श्रेणीवार किया जाएगा, इससे कोरोना संक्रमण पर बाहरी रूप से नियंत्रण में सफलता मिलेगी। प्रदेश के 6 जिलों में ड्राई रन शुरू हो चुका है। 5 जनवरी को प्रदेश के सभी जिलों में ड्राई रन सफलतापूर्वक सम्पन्न किया जाएगा। भारत के पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से, नेपाल में चुनाव की सिवा नहीं बचा विकल्प, ओली और प्रचंड को मनाने में चीन हुआ नाकाम। नेपाल में तमाम कोशिशों के बावजूद चीन सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन रोकने में नाकाम रहा। नेपाल में चीन की राजदूत के अलावा चीन से आए कम्युनिस्ट नेता प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तथा असंतुष्ट धड़े के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड को मनाने में पूरी तरह नाकाम रहे। चीन की इस नाकामी और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन के बाद अब देश में चुनाव के अलावा दूसरा विकल्प नहीं बचा है। चीन की नाकामी भारतीय नजरिया से अच्छी मानी जा रही है, क्योंकि भारत भी नेपाल में नए सिरे से चुनाव चाहता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत दिग्गजों ने बूटा सिंह के निधन पर जताया दुख। दलितों के मसीहा बूटा सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत दिग्गजों ने दुख जताया। दुख जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि श्री बूटा सिंह जी गरीबों के कल्याण के साथ साथ दलितों के कल्याण के लिए एक अनुभवी प्रशासक और प्रभावी आवाज थे। उनके निधन से मैं दुखी हूँ। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदना है। बूटा सिंह का कल यानी 2 जनवरी की सुबह लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 86 वर्षीय बूटा सिंह का राजधानी नई दिल्ली में निधन हुआ। खबर खेल जगत से, रोहित पंत गिल सैनी ने रेस्तरा में खाना खाकर तोड़ा बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, BCCI ने शुरू की जांच। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय खिलाड़ियों द्वारा बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़े जाने की जांच शुरू कर दी है। नए साल के मौके पर टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ और नवदीप सैनी मेलबर्न के रेस्तरा में लंच करते नजर आए थे। संभावना है कि इसे बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। लंच करते हुए भारतीय खिलाड़ियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।